नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे स्पेशल एपिसोड में। जैसे कि हर वीकेंड पे एक स्पेशल एपिसोड हम बनाते हैं और आप समझ भी चुके होंगे आज के थंबनेल से कि हम किस विषय में आज ये एपिसोड बना रहे हैं। आज का हमारा विषय कामाख्या माता, कामाख्या देवी। तो बहुत सारे लोगों से मैंने सुना है, अलग अलग तरह की बातें करते हैं, कुछ भ्रांतियाँ भी फैलाते हैं, कुछ अपशब्द भी बोलते हैं जो अन्य रिलीजन के जो लोग हैं, अन्य संप्रदाय के लोग हैं। तो वही जो मैं हमेशा कहता हूँ कि लोगों को उसके पीछे का लॉजिक और कहानी और कथा नहीं पता है। अब यहाँ लॉजिक में जाएंगे तो फिर वही वाली बात हो जाएगी कि हमें भगवान की लिखी हुई किताबों के ऊपर, ग्रंथों के ऊपर विश्वास नहीं है। जब और सभी लोग अपने अपने धर्म ग्रंथों को मान रहे हैं तो हम क्यों अपने धर्म ग्रंथों में लिखी हुई बातों को ना माने? अगर ऐसा है तो हम भगवान पर विश्वास ही नहीं करेंगे। तो जो हमारे ग्रंथ में, किताबों में लिखा हुआ है कामाख्या देवी के विषय में, मैं वो आपको वृतांत में बताता हूँ। सबसे पहले तो आप जान लीजिए कामाख्या देवी है क्या, उनका मंदिर कहाँ पर है और वो मंदिर किस वजह से इतना प्रसिद्ध है, फेमस है। तो हमारे इंडिया में आसाम राज्य के गुवाहाटी ज़िले से करीब 7 किलोमीटर दूर नीलांचल पर्वत के मध्य में स्थित है। यह मंदिर इतना प्रसिद्ध क्यों है? क्योंकि यहाँ माता को स्वरजला आती है, मतलब उनके पीरियड्स होते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलती है, वो करीब 3 दिन तक चलती है। और जिस समय ये साइकिल चलती है, जून के महीने में चलती है, तो जून के महीने में 3 दिन के लिए मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। और वहाँ पर मंदिर के कपाट तो बंद ही रहते हैं, परंतु मंदिर के बाहर प्रांगण में और आसपास एक मेला लगता है जिसको बोलते हैं अम्बावची मेला। और वहाँ पर अम्बावची मेला में लोग, साधु संत आते हैं, श्रद्धालु आते हैं और वहाँ पर काफ़ी माता का गुणगान किया जाता है। भक्त आते हैं तो उनके भजन कीर्तन भी होते हैं। परंतु जब मंदिर के कपाट बंद रहते हैं, वहाँ पर एक सफ़ेद कपड़ा बिछाया जाता है मंदिर के अंदर, जो कि 3 दिन तक माता को स्वरजला होती है, तो 3 दिन तक वहाँ उस कुंड में से पानी की जगह, जल प्रवाह की जगह खून यानी रक्त बहता है। तो उस वजह से वो जो कपड़ा होता है, अम्बावची वस्त्र भी कहते हैं उस कपड़े को, वो वस्त्र लाल हो जाता है। तो 3 दिन के पश्चात जब मंदिर के पुजारी कपाट खोलते हैं, द्वार खोलते हैं मंदिर के, उस वस्त्र को, अम्बावची वस्त्र को लोगों में प्रसाद के रूप में बांट दिया जाता है। ऐसा नहीं कि वो प्रसाद खा लिया जाए, वो प्रसाद आप अपने घर में भी रख सकते हैं सुख समृद्धि के लिए, और आप अपने मंदिर में भी रख सकते हैं, आप अपने तिजोर, वो आपके ऊपर मान्यता है कि वो आप किस तरीके से उस प्रसाद को ग्रहण करें और किस तरीके से उसका आदर सम्मान करें, क्योंकि माता का साक्षात रूप है एक तरीके का वो रक्त। तो अब इसके पीछे की कथा पर चलते हैं कि ये मंदिर की जो कहानी है, ये मंदिर से माता को रक्त बहता है, ये क्यों बहता है? इसके पीछे एक पौराणिक कथा है कि राजा दक्ष की पुत्री थी सती, महादेव की पत्नी थी। पार्वती से पहले जो जन्म लिया था माता सती ने लिया था, तो दक्ष माता सती का विवाह महादेव से नहीं कराना चाहते थे, परंतु फिर भी माता सती ने महादेव की पूजा अर्चना की, उनको प्रसन्न किया और पति के रूप में उनको मांग लिया। तो ये तो यहाँ तक थी बात, परंतु उसके बाद माता सती महादेव जी के साथ रहने लगी कैलाश पर्वत पर। उसी समय राजा दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया, और जो कि महादेव से इतना खुश नहीं रहते थे, अप्रसन्न रहते थे, तो उन्होंने महादेव को और सती को निमंत्रण नहीं भेजा, उनको यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। परंतु पुत्री तो पुत्री होती है, उसने, माता सती ने कहा कि कोई बात नहीं, पिताजी ने निमंत्रण नहीं भेजा तो मैं तो उनकी पुत्री हूँ और मुझे चलना चाहिए, और महादेव आप भी आइए। महादेव ने काफ़ी मना किया, परंतु पत्नी के हट के आगे कौन रुक सकता है। तो महादेव और सती माता प्रस्थान करते हैं, पहुंचते हैं यज्ञ के जहां आयोजन हो रहा था उस स्थान पर। तो वहां पर जब पहुंचते हैं तो दक्ष, जो कि महादेव से वैसे ही अप्रसन्न रहता था, तो काफ़ी खरी खोटी महादेव को सुनाता है और सती को सुनाता है कि
आप कैसे निर्लज लोग हैं, आप बिना बुलावे के बिना निमंत्रण के यहाँ पर आ गए हैं, तो और मैं नहीं बुलाना चाहता था आपको, और बहुत उल्टी सीधी बातें जो जो उसके राजा दक्ष के प्रजापति दक्ष के मन में थी महादेव के प्रति, जितना भी शादी उनकी शादी से पहले जो उनके मन में उल्टा सीधा जो कुछ भी था सब कुछ गुस्से में आकर राजा दक्ष ने बोल दिया। अब यहाँ पर माता सती को बड़ी बेइज्जती महसूस हुई कि मेरे पति का तो यहाँ अपमान हो गया है और इतना उल्टा सीधा पिताश्री ने बोल दिया, तो गुस्से में आकर माता सती ने अपने आप को उस यज्ञ की अग्नि में छलांग लगा दी, अपने आप को समर्पित कर दिया अग्नि के अंदर। अब अग्नि में समाहित होकर माता सती तो मनुष्य के रूप में जन्म लिया था, ऑब्वियसली उनकी मृत्यु होनी थी। अब उनकी मृत्यु होने के पश्चात महादेव का विकराल रूप निकलता है। आप तो जानते हैं महादेव का महाकाल रूप जब निकलता है तो क्या होता है, तो चारों तरफ प्रलय प्रलय, महादेव ने सब जगह जाकर तोड़ फोड़ सब जगह ब्रह्मांड में हाहाकार मचा दिया, और माता सती को गोद में लेते हुए वो जहाँ जहाँ से गुजरते वहाँ वहाँ प्रलय आती विनाश शुरू हो गया। तो उसके पश्चात जब सारे के सारे देवी देवता भगवान बड़े टेंशन में आ गए कि महादेव तो इस तरह रुकेंगे नहीं तो कैसे उन्हें रोका जाए, अब पहुँचते हैं विष्णु जी के पास। विष्णु जी सोचते हैं कि महादेव का तो बड़ा मोह है सती के साथ, कैसे उनको इस रूप में से उनको शांत किया जाए, और किसके अंदर ये चीज़ है, मतलब इतनी पावर तो किसी के अंदर है ही नहीं। तो उन्होंने एक युक्ति सूझी, तो उन्होंने अपने जो चक्र से जो माता सती थी उनके 51 टुकड़े कर दिए, 51 जगह उस शरीर के टुकड़े जाकर पृथ्वी पर जगह जगह गिरे, जो आज हम 51 शक्ति पीठ के नाम से जानते हैं। तो जगह जगह जाकर टुकड़े गिरे, उसमें से एक टुकड़ा जहाँ मैं बता रहा हूँ आसाम में गुवाहाटी के यहाँ उस समय जो भी नाम होगा वहाँ जाकर गिरा, वो टुकड़ा था माता की योनि और माता का गर्भ। तो इस वजह से वहाँ पर वहाँ के साधु संतों ने पूजा अर्चना करके माता सती का मंदिर बनाया और कामाख्या नाम से माता सती को वहाँ जाना जाने लगा। और हालांकि वहाँ पर गर्भ माता का गर्भ और योनि गिरे थे जाकर, तो इस वजह से वहाँ पर योनि में से रक्त निकलता है ये मान्यता है, और मान्यता नहीं है ये मैंने सुना भी है, और मेरे जान पहचान के बहुत लोग गए भी हैं, और अक्षित भी जा चुका है वहाँ पर, तो अक्षित ने भी देखा है अपनी आँखों से। अक्षित क्या देखा तूने वहाँ पर? भैया मैंने वहाँ पे ये देखा, पहले तो मैं अपने पेरेंट्स के साथ गया था जब पापा वहाँ पे पोस्टेड थे, और बहुत ही फेमस है तो हम लोग चले गए थे, जैसे बिल्कुल भी नहीं पता था मम्मी को पापा को कि वहाँ पे ऐसा होता है। तो जैसे ही हम वहाँ पहुंचे ना, जो ऊपर जाने का रास्ता है मंदिर था, वहाँ पे बकरी मतलब अब मैं जेंडर पे नहीं जाऊँगा, वहाँ पे बकरे या बकरी कटे हुए ऐसे ही पड़े रहते हैं वहाँ पे, पूरी जगह ऐसे पूरा रक्त खून 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 हर जगह ऐसे ही रहता है। तो मैंने पूछा भी पापा से कि क्या है, कहते कि वहाँ पे एक गुड लक माना जाता है, पता नहीं अब मैं इसके डीप में गया नहीं। नहीं नहीं, उसके पीछे भी एक स्टोरी है हल्की सी, मेरे को वो भी पता है। एक बार जब नरकासुर कोई राक्षस था तो उसने वहाँ पर कामाख्या माता का जब मंदिर बन चुका था, ऑब्वियसली वो अपने दर्शन भी देती थी उस समय लोगों को, क्योंकि उस समय तो त्रेता युग सतयुग था, तो भगवान दर्शन भी दे दिया करते थे साधु संतों को। तो एक राक्षस था नरकासुर, वो एक कथा के अनुसार बता रहा हूँ, मैंने अपने मन से कुछ नहीं बनाया, मैंने जो पढ़ा कि उसमें ये था कि वो माता कामाख्या से शादी करना चाहता था। तो माता कामाख्या ने कहा कि सीढ़ियाँ ये पर्वत है, तो पर्वत मंदिर तक तू सीढ़ियाँ बना दे, और जब सीढ़ियाँ कंप्लीट हो जाएंगी मैं तेरे से शादी कर लूँगी। परंतु वो सीढ़ियाँ कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाई, आज तक भी वो सीढ़ियाँ अधूरी होंगी, तूने देखा होगा है ना। तो उस समय एक माता ने सोचा भाई ये सीढ़ियाँ बना लेगा तो विवाह करना पड़ेगा, इस राक्षस को कैसे रोका जाए। तो एक माता ने क्या युक्ति सूझी, वहाँ पर एक मुर्गा था जो बांग देता है,
आज के समय तो जो मुर्गा भांग देते हैं तो वो कोई टाइमिंग वगैरह कुछ नहीं कि अलार्म के हिसाब से सब उठते हैं। उस समय तो मुर्गा जब भांग दिया करता था ब्रह्म मुहूर्त में तो लोग उठा करते थे। तो मुर्गा क्या करता था, वो बहुत लेट भांग दिया करता था क्योंकि माता कामाख्या के थ्रू वो मुर्गा आया था, तो वो लेट उठता था। तो वो एक लिमिटेशन भी थी कि इस समय तक चिड़ियाँ बनानी पड़ेंगी, तो लेट उठता था वो। एक टाइम रहते हुए नरकासुर चिड़ियाँ नहीं बना पाया, तो जब उसको पता चला कि ये तो सब मुर्गे की चाल है, तो मुझे लेट उठाता है रोज़, तो उसने उस मुर्गे को उनकी बलि दे दी। और इस तरीके के पीछे कुछ यही कहानी है कि बलि देते हैं वहाँ पर लोग, परंतु भगवान विष्णु ने नरकासुर का फिर वध किया था उसके बाद। तो शायद एक हल्का फुल्का सा हिंट ये है कि माता के मंदिर में बलि दी थी। और जैसे मैंने बोला कि रथ वाला मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है माता को 3 दिन वहाँ पर, तो वहाँ रक्त से रिलेटेड हो सकता है कि आजकल के मनुष्य बलि तो देना शुरू कर भैया, दें। तो बकरा या बकरी को ही क्यों दिया जाता है देख, सर? बकरी को नहीं, किसी भी मादा को नहीं काटा जाता। मैंने ये चीज़ तो और धर्मों में भी, मतलब और जो रिलीजन है उनमें भी देखा है कि वो फीमेल को नहीं काटते हैं, मेल को ही काटते हैं। और मैंने कहीं इस विषय में पढ़ा नहीं कि क्यों काटा जाता है, क्यों नहीं काटा जाता है। एक मैंने एक हल्का सा एग्जाम्पल उदाहरण देने की कोशिश की है कि नरकासुर ने भी मुर्गे की बलि दी थी, परंतु लोग क्यों बलि देते हैं इसके पीछे का मुझे इतना नहीं पता। बस मेरा उद्देश्य यही है कि लोगों तक जो अधूरी और भ्रांति अधूरी बातें हैं वो क्लियर हो जाएं, और जो भ्रांतियाँ हैं वो क्लियर हो जाएं। लोग कहते हैं ना, बहुत लोगों से मैंने सुना है कि अरे वहाँ तो माता की मेंस्ट्रुएशन साइकिल की भी लोग पूजा करते हैं और रथ वाला की पूजा होती है। तो लोगों को जानना चाहिए कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है, रीज़न क्या है। जो हमारे धर्मों में लिखा हुआ है वो ही चल रहा है। अगर आप धर्म को नहीं मानते, पुराणों को नहीं मानते, तो आप लॉजिक दे के कुछ भी बोल सकते हैं। आप ये भी बोल सकते हैं शिवलिंग है, शिवलिंग नहीं है पत्थर है, तो भैया वो कुछ भी हो सकता है अगर आप धर्म को मानते हैं। तो भाई साहब ये चीज़ किताबों के थ्रू, धर्म के थ्रू ही मैं आपको बता रहा हूँ। तो अपनी भ्रांतियाँ दूर करिए। और कामाख्या देवी में बहुत लोग जा भी चुके होंगे और बहुत सुन भी चुके होंगे उस विषय में, तो उसके पीछे की स्टोरी ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट मैं 60-70% तक क्लियर बता ही देता हूँ, तो लोगों को उस विषय में मालूम होना चाहिए बस। तो और बता, और कुछ क्वेश्चन है दिमाग में? नहीं, बस देख, मैं बलि से रिलेटेड तो मैं इतना क्लियर नहीं बता पाया, परंतु बलि क्यों देते हैं मुझे नहीं सही लगता कि किसी की भी बलि देनी चाहिए। वो तो माता का जो रक्त है वो रसवला के वजह से 3 दिन के मासिक जो होता है उस वजह से बहता है, और उस विषय में मैं इतना डिटेल में नहीं गया हूँ। और मैं उस विषय में सच बोलूँ मैं जाना भी नहीं चाहूँगा। जहाँ बलि की बात होती है मैं उस विषय में बात नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मेरे को कुछ भी उल्टा सीधा बोल देते हैं। मुझे अभी कमेंट सेक्शन में लोग लिखेंगे बलि इस वजह से दी जाती है, बलि उस वजह से दी जाती है। बंगाल में भी मैंने देखा है कि दुर्गा अष्टमी के समय पर काली माँ को के वहाँ पर बकरों की और भैंसों की बलि दी जाती है। मुझे क्षमा करना, मैं बलि के विषय में कोई भी बात नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि उस मैं खुद नहीं चाहता कि किसी भी पशु की बलि दी जाए। ये तो मेरा खुद की पर्सनल ओपिनियन है, मैं नहीं चाहता किसी भी पशु की बलि दी जाए। और अगर कहीं लिखा हुआ है हमारे धर्म ग्रंथ में और शास्त्र में, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, मैं वो पढ़ना चाहूँगा। ये एटलीस्ट एक छोटा सा सवाल है, मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ। और कामाख्या देवी के विषय में जो भी कथा थी वो मैंने आपको 70-80% तक ऑलमोस्ट सही सही आपको बता दिए। पता होना चाहिए किसी को जवाब देने के लिए, आपके सवालों का जवाब देने के लिए आपके पास उसका उत्तर होना चाहिए कहीं ना कहीं, मैं तो ये मानता हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, एटलीस्ट मैंने एक चीज़ क्लियर की, और मैं खुद भी उत्सुकता जानने के लिए, क्योंकि मुझे मालूम तो था कि ये मंदिर इस वजह से प्रसिद्ध है, परंतु इसके पीछे की कथा क्या थी वो मुझे नहीं पता थी। वो मैंने पढ़ा, ढूंढा, सर्च किया तो मुझे मिला और आप तक पहुँचाया। तो मिलेंगे कल की वीडियो में श्लोकों के उच्चारण के साथ और नई वीडियो के साथ। और हाँ प्लीज़ आपसे एक और विनती, हाथ जोड़ करके सबसे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए। ज्ञान की बातें बता रहा हूँ, कुछ ऐसी अपनी मनगढ़ंत स्टोरी मैं आपको नहीं बताता। और एक चैनल का जो हमारा उद्देश्य है वो इस तरह का नहीं है कि बिल्कुल ही आप मग्न हो के साधु
संत तो हम नहीं बन सकते, उसके लिए बहुत सारी योग विद्या चाहिए। परंतु डेली रूटीन में रोज़मर्रा के काम करते हुए 5 से 10 मिनट 15 मिनट मुश्किल से, अब चलते फिरते गाड़ी चलाते हुए भी आप स्पीकर पे भी सुन सकते हैं, आप घर में काम कर रहे हैं तो मोबाइल कहीं भी रखकर सुन सकते हैं, तो एटलीस्ट काम की बातें हो रही हैं, अपने धर्म से रिलेटेड जो सवाल हैं उनके जवाब देने की मैं कोशिश करता हूँ, और साथ में गीता सार तो चलता ही है जो कि हमारे जीवन का सहार है। तो मिलेंगे दोस्तों कल की वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।